हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायलैंड प्रोस के बारे में, जो कि सुल्तान है। आखिर उसको इतना सारा डायमंड्स कहाँ से मिलता है और वो इतना सारा बेजेस कहाँ से खरीदता है और उसको इतना सारा डायमंड्स कहाँ से मिलता है और वो हर सीजन पर ग्लोबल टॉप पर जाता है और उसके लिए उसको डायमंड्स कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। तो गाइस, उसका पूरा टोटल यूट्यूब इनकम के बारे में जानेंगे और उसका अदर सोर्सेज, जो इनकम का अदर सोर्सेज है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपको सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो गाइस, अभी एक इंट्रो के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सब कुछ बताऊंगा डायलैंड प्रोस के बारे में, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको डायलैंड प्रोस के बारे में पता नहीं है तो सबसे पहले वो जान लो। तो गाइज, डायलैंड प्रोस जो एक इंडोनेशिया का यूट्यूबर है और उसका 11 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है और वो बेजेस के मामले में हर सीजन पे ग्लोबल टॉप पे जाता है। तो गाइज, अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे, आखिर उसको हर सीजन पे बेजेस के मामले में टॉप वन ग्लोबल जाने के लिए उसको डायमंड्स कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। तो गाइस, बहुत सारे बंदे को लगता होगा कि उसको बेजेस खरीदने के लिए जो है डायमंड्स गरीना देता है, लेकिन ये पूरा सच बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि गरीना डायमंड्स नहीं देता है, डायमंड्स देता है, लेकिन वो डायमंड्स देने का भी कुछ लिमिटेशंस होता है। जो जो यूट्यूबर्स फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन है उन सबको डायमंड्स मिलता है, लेकिन एक लिमिटेशन होता है डायमंड्स मिलने का। जैसे कि हमारे सर्वर में जितने भी यूट्यूबर फ्री फायर के पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन है उन सबको हर महीने 30 या 40,000 डायमंड्स मिलता है। ऐसे करके डायलैंड प्रोस को भी इतना ही डायमंड्स मिलता है, 30 या 40,000 डायमंड्स पर मंथ। लेकिन इतना डायमंड से इतना ज़्यादा बेचेस खरीदना पॉसिबल नहीं है। आप भी सोचो, इतना ज़्यादा बेचेस 1,10,000 प्लस बेचेस खरीदना 30 या 40,000 डायमंड से पॉसिबल ही नहीं है। तो गाइस, अभी जान लेते आखिर उसका यूट्यूब इनकम कितना है। तो गाइस, ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है डायलैंड प्रोस के यूट्यूब चैनल का मंथली इनकम है। ऊपर जो आपको 74,000 प्लस $ जो दिख रहा है वो डायलैंड प्रोस का मंथली यूट्यूब इनकम है, और जो नीचे आपको जो 7,400 $ दिख रहा है वो डायलैंड प्रोस को हर वीडियो में इतना डॉलर करके मिलता है। तो गाइस, अगर आप इस जो ऊपर जो आपको मंथली इनकम दिख रहा है डायलैंड प्रोस का, उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 74,000 जो $ है उसको अगर आप इंडियन रुपीस में लेके आओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखेगा। तो गाइस, अगर हम डायलैंड प्रोस का जो मंथली इनकम है उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 54 लाख पर मंथ। मतलब कि डायलैंड प्रोस को जो है यूट्यूब से इंडियन रुपीस में अगर उसका जो मंथली इनकम है उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसका इनकम जो है 54 लाख से भी ज़्यादा होता है। तो गाइस, आप खुद सोच सकते हो, जिस बंदे का यूट्यूब से इतना ज़्यादा इनकम होता है उसको फ्री फायर में बेजेस खरीदना जायज़ है यार, उसको बेजेस खरीदना जायज़ है। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ यूट्यूब से इनकम मिलता है, उसका इनकम का बहुत सारा सोर्सेस है। तो गाइस, अभी उसका अदर सोर्सेस जान लेते हैं इनकम का। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो उसका खुद का कॉफ़ी शॉप है इंडोनेशिया में, प्रोस कॉफ़ी करके उसका खुद का एक कॉफ़ी शॉप है। तो गाइस, उसका जो नेक्स्ट इनकम सोर्सेस है उसका खुद के पास क्लॉथ्स मर्चेंडाइज है, मतलब खुद का इंडोनेशिया में एक क्लॉथ्स मर्चेंडाइज है। मतलब कि आप खुद सोच सकते हो, जिस बंदे के पास खुद का क्लॉथ्स मर्चेंडाइज है वो बंदा कितना रिच होगा। तो गाइस, उसका जो नेक्स्ट इनकम सोर्सेस है वो उसका खुद का एक स्कूल है। आप देख सकते हो उसका एक खुद का स्कूल है, मतलब कि जिस बंदे के पास इतना ज़्यादा इनकम सोर्सेस है वो फ्री फायर में इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्या। उसको यूट्यूब से इतना ज़्यादा पैसा मिलता है, उसके खुद के पास इतना ज़्यादा सोर्सेस है इनकम करने का, तो गाइस उसको फ्री फायर में इतना इन्वेस्ट करने में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा इनकम सोर्सेस है और उसको यूट्यूब से इतना ज़्यादा इनकम मिलता है तो उसको फ्री फायर में इतना इन्वेस्ट करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गाइस, जो जो मैंने डायलैंड प्रोस के बारे में बताया, अगर आपको सुन के बिलीव नहीं हुआ तो आप उसका खुद का गेमिंग सेटअप एक बार देख लो, आपको बिलीव हो जाएगा। फिर उसका गेमिंग सेटअप इतना ख़तरनाक है कि आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो गाइस, अभी भी आपको बिलीव नहीं हुआ तो उसका एक बार आप कार कलेक्शन देख लो।
तो गाइस आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर डायलैंड प्रोस इतना सारा बेजेस कहाँ से खरीदता है और इतना सारा डायमंड खरीदने का राज आपको पता चल गया होगा। तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ से लाइक कर दो। और ये वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा, आई होप आप मेरे मेहनत को समझ के इस वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना। तो गाइस चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, अभी के लिए बाय बाय।